तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके बारे में, और ये Realme का C11 है, पुराना वाला C11 नहीं है, नया जो लॉन्च हुआ है। लगभग 2 महीने हो गए ये लॉन्च हो गया है, चुपचाप लॉन्च हो गया था, पता नहीं चला। लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑफर में फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है, जो बिग बिलियन डे सेल था उसमें भी मिल रहा था, अभी दिवाली सेल चल रहा है इसमें भी मिल रहा है। तो ये बाय करना उचित है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं भी अभी बाय किया हूँ, कितने बाय किया हूँ आगे बात करेंगे। और डिब्बा भी आपको दिखा देता हूँ, रियलमी का C11 है और यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, यानी कि 2021 है, 2021 वाला ये एडिशन है। तो बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था फोन कैसा है, क्या कुछ है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में हम बोल सकते हैं ये मिल रहा है, तो उसके लिए बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि Realme का C11 2021 एडिशन कैसा है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Realme C11 के बारे में बात करेंगे, और लगभग यहाँ से 1 वीक से ऊपर हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और ये सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं सिम भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं खुद के लिए ही बाय किया हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक फ़ोन तो ये है और इसमें सब कुछ मेरा काम नहीं होता है, तो इसीलिए दूसरा फ़ोन मैं बाय किया था और सस्ते में यही एक मुझे मिला, तो इसीलिए मैं ये बाय कर लिया। अब यहाँ बात करते हैं ओवरऑल कैसा है ये फ़ोन, क्योंकि इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, टोटल जो कुछ भी है मैं बता दूंगा कि क्या किसमें क्या कुछ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब के बारे में बता दूंगा। क्योंकि इसमें Realme का जो C11 अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देखेंगे तो वही पुराना वाला स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि G35 का प्रोसेसर है, ऐसा कुछ है वैसा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये 2021 एडिशन वाला फ़ोन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसके बारे में बात करें। तो पहले डिजाइन के बारे में बता देता हूँ, तो डिजाइन लगभग सेम ही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सेम आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, एक कैमरा यहाँ पे और एक कैमरा यहाँ पे, यहाँ पे पीछे में 8 MP और सामने की तरफ आपको यहाँ पे 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो बड़ा सा डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 6.5 इंच का ये एक डिस्प्ले है, 400 nits का यहाँ पे आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 400 निट्स का यहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिया गया है, और ये बजट में भी बजट सेगमेंट है, तो इट्स ओके बोल सकते हैं, ठीक ठाक डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रोसेसर की बात करें तो यूनिसॉक का S3 सीरीज का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है, जबकि C11 जो पुराना वाला था 2020 वाला, उसमें आपको बेस्ट प्रोसेसर G35 मिल रहा था उस टाइम में, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिसॉक का प्रोसेसर मिलता है, और ये जो है 28 nm वाला प्रोसेसर है, जबकि आजकल 10000 से नीचे में जो मीडियाटेक के प्रोसेसर आ रहे हैं वो 7 nm 6 nm इस तरह के प्रोसेसर आ रहे हैं, लेकिन ये 28 nm वाला प्रोसेसर है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का आपको प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा होगा। अब बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि प्रोसेसर परफॉर्मेंस कैसा करता है, तो भाई यहाँ पे आप कुछ भी गेम इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, इस तरह का बुरा हालत है, यानी कि पबजी वगैरह तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, और ये फ़ोन गेमिंग के लिए है भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ओवरऑल मैं जितना टाइम तक यूज़ किया हूँ, अब तक यूज़ भी कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत सारे ऐप भी मैं यहाँ पर लोड करके रख चुका हूँ, और अभी तक स्लो भी नहीं हुआ है, यूजेस अच्छा है। पबजी एक बार खेलने के ट्राई किया था, थोड़ा बहुत खेल पाया, लेकिन वो लैग होते होते चल रहा था। तो फ्री फायर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन पबजी वगैरह यहाँ पे नहीं चलेगा, तो इस तरह का है। अगर आप डे टू डे यूज करेंगे गेमिंग को साइड में रख के, यानी अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हैं टोटली, नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 4G वोल्टेज सपोर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपका 4G सिम है, वोल्टेज सिम है, वो आप आराम से यूज कर सकते हैं, यानी कि जियो एयरटेल वगैरह आराम से यूज हो जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। वाईफाई के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे वीवो वाईफाई भी सपोर्टेड है, जो कि बाकी फोन में आजकल हो रहा है, तो यहाँ पे भी है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि मेरे वाईफाई जो राउटर है 2.5 GHz पे भी चलता है, तो ये जो 2.5 GHz से ऊपर है वो सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता, नॉर्मल जो वाईफाई राउटर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि मैं दोनों में ऑपरेट करता हूँ, 2.5 GHz के ऊपर भी एक दिखाता है और नॉर्मल भी दिखाता है, तो नॉर्मल वाला यहाँ पे चलता है, 2.5 GHz वाला यहाँ पे दिखाता नहीं है। और डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो वो भी फर्क पड़ता है, जो बाकी फ़ोन है उसमें थोड़ा फास्ट डाउनलोड होता है और यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउनलोड होता है, क्योंकि मेरे पास LG का ओवरऑल बोल सकते हैं क्वालकॉम का 8 सीरीज वाला प्रोसेसर वाला फ़ोन भी है,
तो वहाँ पे भी टेस्ट किया, उसमें फास्ट बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है वाईफाई के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है। तो ये कुछ चीज़ें। और यूएसबी ओटीजी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कीबोर्ड माउस वगैरह आसानी से चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। चार्जर की बात करें तो बड़ा सा चार्जर यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वो 10 वाट का है, रियलमी जैसा हमेशा करता है। रियलमी का चार्जर बड़े साइज का आता है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का आपको चार्जर यहाँ पे मिल रहा है। तो अनबॉक्सिंग तो नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको साइड करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको ये चार्जर मिलता है। ये 10 वाट का चार्जर, लेकिन बहुत ही बड़ा चार्जर है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़े कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो ओवरऑल इस प्राइस में जिस तरह का कैमरा देखने को मिलता है उसी तरह कैमरा मिलता है, कोई यहाँ पे अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आखिर में बैटरी के बारे में बात करते हैं। 5000mAh का बैटरी है और बैटरी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अगर आप डे टू डे नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से बड़ा स्क्रीन मिल रहा है तो वीडियो प्ले वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आप हॉटस्टार वगैरह यूट्यूब वगैरह कुछ भी देखते हैं या क्रिकेट भी देखते हैं, जो भी आजकल चल रहा है, तो आप आराम से बैटरी बैकअप आपको देखने को मिले, कोई दिक्कत नहीं। वन डे आराम से आपको चल जाएगा ये, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बैटरी बहुत ही अच्छा, एक दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, रैम रोम वेरियंट यहाँ पे नहीं बताता इस फोन का। इसका दो वेरियंट आते हैं, एक 2GB 32GB वाला, और मेरे पास जो है वो है 4GB 64GB वाला, और ये ऑफर मेरे को 6500 के आसपास में मिल गया फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो इसीलिए मैं इसको बाय कर लिया, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है और 4GB 64GB मिल रहा है, तो इसीलिए मैं बाय कर लिया। और उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें प्रोसेसर जो है, मैं सोच रहा था फ्लिपकार्ट वही दिखा रहा था G35 वाला प्रोसेसर, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसमें SC UNISOC का प्रोसेसर है। और उसके बाद टेस्ट किया तो ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं फेसबुक वगैरह और बाकी जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं फोन वगैरह कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो ये फोन को ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्सटेंसिव यूजर है, यानी कि अगर आप गेम वगैरह भी थोड़ा भी खेलना चाहते हैं, तो इस फोन को मत लीजिए। एक्स्ट्रा 1-2 हज़ार लेके और भी बहुत सारे फोन मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो 7000 में मेरे हिसाब से ये बेस्ट फोन है। 4GB 64GB मिल जाता है और यहाँ पे बड़ी स्क्रीन भी मिल जाता है, ठीक ठाक बैटरी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आएंगे। और जितने भी आप क्वेश्चन पूछे थे कमेंट सेक्शन में कि इस फोन में ये फोन कैसा है, क्या कुछ है 2021 एडिशन वाला, आई होप आपको सब आंसर मिल गया होगा कि फोन ठीक ठाक है। अगर आप 7000 आपका बजट है और आप नॉर्मल यूज करते हैं तो आपके लिए फोन ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी हैवी यूजर है तो आप दूसरे फोन की तरफ जा सकते हैं, 2-3 हज़ार ऐड करके आपको बहुत सारे अच्छे फोन देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया इस फोन के बारे में तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए डिपेंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।